जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा, लेकिन यहाँ आदिवासी की जमीन पर बहुत सारा चीज हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा मॉल बन रहा है। क्या नियम है? अभी ये आपका पल्स हॉस्पिटल जो बना 22 साल हो गया, लोग आकर के यहाँ विधायक बने, दूसरा कि बाहर के लोग आकर के यहाँ जमीन पर दखल कब्जा जमाए हुए हैं। इसी पर्पज से राज्य अलग हुआ, और राज्य अलग होने के बाद इससे तो अच्छा था बिहार में हम लोग सुरक्षित थे, इस तरीके से आपका जमीन हस्तांतरण हुआ है, जबरदस्ती हुआ है, डरा के धमका के लोगों को भगाया जा रहा है, और पेपर में कैसे जब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मुंडा टू मुंडा उड़ाव टू उड़ाव हो सकता है, लेकिन मुंडा के जमीन पर कोई सिंह जी कोई मिश्रा जी, ये कैसे हो रहा है? जाएगा कारण, यही महा अधिवक्ता जिस समय हमारे माननीय बाबूलाल मरंडी जी ने जो डोमेसाइल लागू किया था उस समय यही व्यक्ति कोर्ट गया था। माननीय अमित शाह जी आए थे देवघर जो शिलान्यास के उद्घाटन किए, अभी वहां से आवेदन आया है, वहां पर ग्रामीणों का जो जमीन है खेत है बाड़ी है उसमें आलू लगा हुआ था बैगन लगा हुआ था, रात भर में उन लोगों को हटाया गया, वहां से जल्दी यहां से खाली करो। शुरू से यहाँ के आदिवासियों का रहा है, और 24 फरवरी को हम लोगों का झारखंड बचा मोर्चा की तरफ से जो आह्वान हम लोगों ने किया था 24 फरवरी को झारखंड बंद रहेगा, उसको तत्काल अभी उपचुनाव को देखते ही इसको अभी हम लोग स्थगित कर रहे हैं, और उसके बदले 18 जनवरी को मारांगपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था, 18 जनवरी के माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ बोला था कि ये मारांगपुर यहाँ के आदिवासियों का आस्था रहेगा, आस्था है और आस्था रहेगा, और इसके बाद फिर बाद में केंद्र सरकार को लिखते हैं, उसमें आदिवासियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वहाँ जैन मुनियों का ही आस्था है। इससे हम लोगों को बहुत तकलीफ है, और उन्होंने जो केंद्र को लिखा है ये आदिवासी के एक तरफ से बात करते हैं कि महाराष्ट्र मारांगपुर में आदिवासी का ही आस्था रहेगा, शुरू से रहा है, और फिर बाद में उन्होंने जो चिट्ठी लिखा उसमें कहीं आदिवासी कोई जिक्र नहीं है, और उसमें जैन मुनि को लोगों ने उसके आस्था को बरकरार रखने का चिट्ठी भी लिखा है। और अभी जितने हमारे माननीय विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, हम लोग एक चिट्ठी आज हम लोग लिखे हैं कि यहाँ का जो SPT एक्ट है, CIT एक्ट है, और PPSA एक्ट है, और बारांगपुर का, सभी विधायक को हम लोग लिख रहे हैं कि इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, और आप अपना मंतव्य सेशन शुरू होने के पहले 27 तारीख तक पहले आप अपना मंतव्य हम लोग देने का आग्रह किया है आप लोगों। और झारखंड बचा मोर्चा के तरफ से 4 मार्च को छोटा नागपुर मंडल में हजारीबाग में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोगों ने तय किया है, परमंडलीय सम्मेलन हजारीबाग 4 तारीख, और 18 मार्च को रांची में जितना गलत तरीके से जमीन का इधर उधर हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ है इलीगली हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, प्रूफ है हम लोगों के पास, यहाँ पर सामना का जमीन, मसना का जमीन, हड़गढ़ी का जमीन, अब भुएरी जमीन है, ये सब जमीन पर सरकार के आँख के नीचे, प्रशासन के आँख के नीचे, नाक के नीचे हो रहा है। इसके अगेंस्ट में हम लोग 18 मार्च को गलत तरीके से जितने लोगों का जमीन ट्रांसफर हुआ है इधर उधर हो रहा है, और अभी जो सादा कागज में लोगों का प्लॉट, अपना प्लॉट दूसरे के खाते में चला जा रहा है, तो ये हम लोग का एक 18 तारीख को हम लोग का ये प्रस्ताव पवित है, 18 मार्च को यहाँ रांची में ही, अभी जगह चिन्हित नहीं कर पाए हैं, ये 18 तारीख को जितने पूरे इलाके में सारे लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, जितने लोगों को जमीन इस तरह से हुआ है, जब जमीन ही नहीं बचा पाएंगे तो फिर आखिर राज्य लेने का क्या मतलब हुआ। आज यहाँ के आदिवासी बोलवासी खास करके जमीन धड़ल्ले से जमीन, अभी तक ये झारखंड का दरवाजा बंद नहीं हो रहा, अभी भी बाहर से लोग आ रहे हैं,
लेकिन हमारे लोग अभी झारखंड में देखिए क्या क्या हो रहा है। अभी यहाँ विधायक बन रहे हैं लोग, बिहार के लोग। एक तो बाहर के लोग आकर के यहाँ विधायक बने, दूसरा कि बाहर के लोग आकर के यहाँ जमीन पर दखल कब्जा जमाए हुए हैं। कल तो बहुत सारे लोग आए थे, एक महिला थी, किस जगह की थी, कर रहा। अब वो अपना जमीन पर है और उसको बंदूक सटा करके दबाया धमकाया और भागया भागे कल यहाँ आई थी, सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ बैठी है, कौन शरण देगा उसको। तो इस तरह से हमारा जमीन भी लुटा रहा है और नौकरी भी लुटा रहा है, और SPT एक्ट, CNT एक्ट का तो धज्जी उड़ा दिया इन लोगों। कहाँ है यहाँ का कमिश्नर, कहाँ है DC, कहाँ है SDO, कहाँ है CO, कौन देखेगा इसको। इसी पर्पज से राज अलग हुआ, और राज अलग होने के बाद इससे तो अच्छा था बिहार में हम लोग सुरक्षित थे, लेकिन ये राज अलग होने के बाद आज हमारे लोग जमीन से बेदखल हो रहे हैं बहुत तरह से। एक तो नौकरी के नाम पर लोग आ रहे हैं, दूसरी बात है कि यहाँ जितना अभी डैम वगैरह बन रहा, जितना कारखाना बन रहा है, अब यहाँ कोयलाकारी इतना धनबाद में, गिरिडीह में, बोकारो में, अभी लोग खोजने से नहीं मिल पा रहे कि कहाँ कहाँ लोग चले गए। तो कम से कम सरकार तो ये बतावे, ये सर्वे तो करावे कि आखिर लोग कहाँ चले गए। तो राज अलग होने के बाद यहाँ के लोग विस्थापित होते चले जा रहे हैं, उसका कोई सर्वे नहीं हो रहा है। यही लड़ाई है हम लोग। 18 को क्या कर रहे हैं रांची? 18 को यहाँ जितना पूरे रांची में, पूरे रांची के अगल बगल चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, जो जमीन जो एकदम सेलेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, कैसे ही सब जमीन पर लोग हड़प रहे हैं। अभी वज्रा मोजा जाइए और जगह जाइए, यहाँ BIT मिश्रा, वहां शिक्षा के नाम पर जमीन का लूट हो रहा है। तो हर जगह, इसीलिए 18 तारीख को हम लोगों ने ये तय किया है झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से कि 18 तारीख को हर जगह हम लोग प्रचार प्रसार से फिर वैसे वैसे लोगों को हम लोग लाएंगे। कहाँ कार्यक्रम होगा, क्या कार्यक्रम होगा इसमें, हम लोग लोगों को उनसे भी हम लोग लेंगे कि भाई किस तरीके से आपका जमीन हस्तांतरण हुआ है, जबरदस्ती हुआ है, डरा के धमका के लोगों को भगाया जा रहा है, और पेपर में कैसे, जब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मुंडा टू मुंडा, उड़ाव टू उड़ाव हो सकता है, लेकिन मुंडा के जमीन पर कोई सिंह जी, कोई मिश्रा जी, ये कैसे हो रहा है, कौन देखेगा इसको। दादा ऐसा है, मुंडा का जमीन जैसे है उसमें भी उन्हीं लोग का है जो उन्हीं लोग कर रहे हैं, उन्हीं का जो वंशज है वही सब कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। नहीं अपने अपने में हो सकता है, बट SPT एक्ट में ये भी नहीं है। SPT एक्ट में अपना गोतिया को भी हम नहीं दे सकते, गांव के लोगों को नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ छोटानागपुर में यहाँ पर मुंडा का जमीन मुंडा ले सकता है, मेरे उसी थाना के अंतर्गत होने रहने वाले लोग, मुंडा टू मुंडा आप उड़ाव टू उड़ाव में हो सकता है, लेकिन उड़ाव के जमीन में, मुंडा के जमीन में कोई सिंह जी, कोई मिश्रा जी, ये कहां से आ गया। तो सिर्फ ये रांची में नहीं है दादा, ये पूरे झारखंड में ही है, हर अंचल में ये ऐसा चल रहा है। इसीलिए तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है, शुरुआत किया है, और चूंकि हमारे लोग गरीब है, निरीह है, लाचार है, बेबस है, शिक्षित नहीं है, सबसे तो गरीबी है, अब वो अकेले लड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए हम लोग लग रहा है आप सारे वैसे लोग मिलकर के एक जगह से हम लोग आंदोलन शुरू करें। नहीं तो ये राजभवन प्रदर्शन होगा कि मोराबादी में रैली होगी, क्या होगा? HEC में, HEC मैदान उसको तलाश रहे हैं। दादा एक महत्वपूर्ण सवाल है, ये आप जो बोल रहे हैं महाधिवक्ता को हटाया जाए, एकदम वो किस लिए, मतलब उसका क्यों नहीं हटाया जाएगा, कारण यही महाअधिवक्ता, जिस समय हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने जो डोमेसाइल लागू किया था उस समय यही व्यक्ति कोर्ट गया था, अगर मैं झूठ बोल रहा था आप लोग उसको देख लेते, और फिर वही व्यक्ति को माननीय हेमंत सोरेन ने बहाल करके रखा है। तो इसका तो काम है कि कोर्ट में हो चाहे राज्यपाल में हो, वो अपना सच्चाई किस बात को रखे, लेकिन फिर क्यों खारिज, सही चीज को नहीं रख रहा, नहीं रख रहा पा रहा है कि वो सही चीज को नहीं रख रहा। आज कोर्ट से ये रद्द हो गया, हमारे महामहिम राज्यपाल के यहाँ से वापस कर दिया गया, और इधर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
झारखंड जोहार यात्रा निकाल रहे हैं तो ऐसे लोग दादा कैसे आ गए, किसकी गलती है? देखिए देखिए, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 जिस विधेयक के बदौलत अलग राज्य बना, उस विधेयक में स्पष्ट उल्लेख है कि जो नीति बिहार में लागू है वही नीति हूबहू जब तक अलग राज्य जो मतलब नवगठित अलग राज्य झारखंड अलग नियम यदि नहीं बना रहा है तब तक के लिए वही नीति लागू होगा, और वही नीति को माननीय बबलाल पांडे ने लागू किया सिर्फ पटना के जगह पे बिहार लिखना है, झारखंड बिहार के जगह तो संसद ने जब ये चीज लिख के दिया है, बिहार पुनर्गठन विधेयक तो संसद द्वारा पारित हुआ है और संसद ने इस समय किया तो ये व्यक्ति क्यों अड़ंगा लगाया, और उसी व्यक्ति को बार बार जो उसी व्यक्ति पर दोषारोपण होने के बावजूद भी आज महाधिवक्ता किस हैसियत से बनाया गया, चूंकि महाधिवक्ता का कर्तव्य बनता है सरकार का पक्ष को कोर्ट में मजबूती के साथ रखना, महामहिम के पास भी रखना और महामहिम के पास भी रखना, जो अपना जो भूमिका होना चाहिए इनका भूमिका नहीं आ रहा है, और जिसके चलते हर हमेशा झारखंड सरकार को लज्जित होना पड़ रहा है और झारखंडियों के अहित हो रहा है। लोविंदा, अभी अमित शाह आए थे वो भी बोले कि संथाल पंथ से आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं और बांग्लादेशी काबिज होते जा रहे हैं। देखिए बांग्लादेशी अभी सर्वे कोर्ट के आगे क्या मैं बता रहा हूँ, माननीय अमित शाह जी आए थे देवघर जो शिलान्यास किए उद्घाटन किए, अभी वहां से आवेदन आया है, वहां पर ग्रामीणों का जो जमीन है खेत है बाड़ी है उसमें आलू लगा हुआ था बैगन लगा हुआ था, रात भर में उन लोगों को हटाया गया वहां से, जल्दी यहाँ से खाली करो, अभी तक उन लोगों का कंपनसेशन नहीं मिला है और उन्हें नौकरी मिली है। बांग्लादेशी बात आ गई, आज राज आज अलग हुआ है, 3 दिन पहले अलग हुआ है, साल भर पहले अलग हुआ है, 22 साल पार हो गया, 22 साल में आज तक किसी ने सर्वे नहीं किया कि कितना बांग्लादेशी यहाँ आया है, कौन सर्वे करेगा, केंद्र सरकार क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप करती है, होम मिनिस्टर क्या कर रहा है, तो सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिहार सरकार तो अपने स्तर से सर्वे करा रही है, क्यों नहीं झारखंड सरकार सर्वे करा, इसीलिए ना हम लोग इस लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ाई लड़ते हैं, पहले जमीन बचेगा, पहले जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा, लेकिन यहाँ आदिवासी के जमीन पर बहुत सारा चीज हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा मॉल बन रहा है, क्या नियम है, अभी ये आपका पल्स हॉस्पिटल जो बना 22 साल हो गया, उससे पहले से बढ़ रहा था क्या, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई, ऐसा ऐसा तो बहुत हुआ है ना, और हो रहा है अभी भी हो रहा है, ठीक है आपने जो कहा कि यहाँ के लोग बेच रहे, अरे यार कोई दलाल लोग फिट कर दिया तो उसको देखने का काम सरकार का है ना, यहाँ SPT एक्ट है, CIT एक्ट है, पैसा कानून भी है, पैसा कानून अभी तक नहीं लागू हुआ, अभी छत्तीसगढ़ में लागू हो गया, आप शराब मॉडल लाते हो छत्तीसगढ़ से तो ये पैसा एक्ट वाला मॉडल भी ले आओ, इसीलिए तो हमने कहा कि यार झारखंड बता रही क्या होगा नहीं होगा, भगवान भरोसा आपने पहले भी बोला था, सरकार में रहते हुए आप सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं लेकिन आपकी बात क्या नहीं सुनी जा रही सरकार में? देखिए जो चीज हम देख रहे हैं सही उसी बात को बोल रहे हैं, अब सरकार अगर करती तो बल्लोबिन हमरम क्यों बोलता, यहाँ अलग झारखंड बचा मोर्चा क्यों बनता, ये गैर राजनीतिक संगठन कहाँ गलत था, हम क्या कर रही है सरकार अपना उपलब्धि तो बतावे, खाली वृद्धा पेंशन बतावे अपना, आज कौन है जिम्मेदार, आज यहां से लोग उजड़ रहे हैं, अरे माइंडसेट कहीं निकला है, इसीलिए हमने झारखंड बचा मोर्चा की तरफ से हर जगह हम यही बोल रहे हैं कि अब कहीं अगर माइंड है मेरे जमीन के नीचे खलिहान के नीचे खेत के नीचे जमीन है, जमीन के बदले जमीन दो तब हम उस जमीन से अलग हो गए, अदरवाइज हम नहीं लगे, जमीन का ना कंपनसेशन लेंगे ना नौकरी लेंगे, हमको जमीन के बदले जमीन मिले लोगों को, यहाँ के लोगों को राज्य बना है उजड़ते जा रहे हैं लोग, अभी यहाँ पर आए होंगे कल बहुत सारे लोग आए थे, अभी उन लोगों को रखा गया था क्या बोल रहा है इसको आउटसोर्सिंग में, आउटसोर्सिंग में पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, छात्राएं हैं,
अभी अभी भी अभी आए हुए आप लोग उनसे भी पूछ लीजिए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो वो उन लोगों को बोला गया कि नौकरी मिलेगा तुम लोगों को परमानेंट नौकरी, पैसा भी लिया उन लोगों से, कोई लाख लिया, कोई 60 लाख 60,000, कोई 70,000 75,000 लाख लाख रुपया लिया, और इन लोगों को 9,000 का तनख्वाह अभी उसका उस पे पेपर भी है उन लोगों के पास में जिसमें 17,000 18,000 लिखा हुआ है और मिल रहा है 9,000 और वो भी समय पर नहीं, और अभी 8 महीना से उन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला, यही सब के लिए राज्य अलग हुआ है, लूट हो रहा है। और एक पॉइंट छुटिया हम जोड़ना चाहेंगे, मरांगरू के संदर्भ में 21-22 फरवरी को वहाँ मरांगरू का पूजा होगा, जो देश भर के लोग जुटेंगे मरांगरू में, और उस संदर्भ में आंदोलनात्मक कार्यक्रम 5 तारीख को निर्णय लिया गया है कि 13, 14, 15 विधानसभा का घेराव किया जाएगा, 13, 14 जो है विरोध प्रदर्शन के लिए, 15 तारीख को 13, 14 धरना दिया जाएगा, 13, 14, 15 और 15 तारीख को वृहत रूप से जनाक्रोश के रूप से विधानसभा का घेराव से और लोगों को पूरा आसरा था, भरोसा था, विश्वास था माननीय हेमंत सोरेन पर, लेकिन ये भी आज किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं कर रहा है, कोर्ट से हाईकोर्ट से भी रद्द हो गया, महामहिम राज्यपाल ने भी वापस कर दिया, अभी आखिर यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं जो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की मांग के लिए शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर छात्र लोग आंदोलन किया, जब छात्र लोग आंदोलन किया तो ये हड़बड़ी में बोला मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्र जैसा चाहेगा वैसा मिले, तो जब ये मानसिकता तो पहले छात्र से ही पूछ लेना चाहिए था, तो अभी तो टाइट टाइट फीस हो गया, नहीं कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बात, ये जो वहाँ यहाँ जो महाधिवक्ता है राजीव रंजन, ये उस समय को याद करिए माननीय भावुलाल मरंडे जी से डोमेसाइल लागू किया था, और यही राजीव रंजन जी उस समय कोर्ट गए थे, फिर बाद में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको यहाँ बहाल किया महाधिवक्ता के रूप में, तो सारी जिम्मेवारी तो इसकी बनती है, सारी जिम्मेवारी इनकी बनती है, चाहे वो कोर्ट का मामला हो और या तो महामहिम के पास, इसको देखना चाहिए था। हम झारखंड बचाव मोर्चा के तरफ से हम लोग मांग करते हैं इस महाधिवक्ता को तुरंत हटावे और बढ़िया ईमानदार व्यक्ति को वहां बहाल करे, इसको रखने का कोई मतलब नहीं, ये झारखंड बचाव मोर्चा हम लोग इसका हटाने की हम लोग मांग करते हैं। भी कहा गया न्यायमूलियों के द्वारा कि यहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़ा सकता है, जबकि शुरू से लोग वहाँ पर आदिवासी लोग हैं और बलि चढ़ते आया है, मदिरा भी लोग डालता है पूजा में और चढ़ते रहेगा, लेकिन ये भी उसी जगह से झगड़ा शुरू हुआ। तो मुख्यमंत्री जी एक बार गए थे, 18 जनवरी को मुख्यमंत्री जी गए थे गिरिडीह, और उन्होंने कही यहाँ पर आदिवासियों का जो आस्था है वो बरकरार रहेगा, और फिर बाद में वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि ये जैन मुनियों का ही आस्था है, ये ऐसा लिखा है, उसमें आदिवासी का एक शब्द कहीं जुड़ा हुआ नहीं।